Viru? Aftab? How are you, my friend? How are you? Bobby साहब, आप दुनिया के पहले कैदी हैं जो इतने खुश और कंटेंट हैं. आफ्ताब भाई, इतनी खुशी, इतनी एक्साइटमेंट कभी देखिए किसी के चेहरे पर? वीरू माय बॉय, आजादी का ख्याल क्या होता है ये तो मैं ही जानते हैं. अब अगर ये लोग मुझे उम्र कैद की सजा भी दे दें तो कोई बात नहीं, मैं नहीं डरता. हर एक गलती, हर एक पाप जो मैंने अपनी जिंदगी में किया है, मुझे उसे मुक्ति मिल जाएगी. वीरू, अब अगर मौत भी आ जाए तो मैं शांति से मरूंगा, चैन की नींद सो पाऊंगा. मैं तुम्हारा बात अपुन के भेजे में थोड़ा थोड़ा आ रहा है बॉबी साहब. काश अपुन को भी ऐसा कुछ करने का हिम्मत होता. हिम्मत? इससे आसान चीज तो कोई है ही नहीं आफ्ताब. जिंदगी भर अपने पापों के साए में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आफ्ताब. आदमी जिंदगी भर अपने पापों के साथ रहे, जुर्मों के साथ रहे, ये गलत है. उससे अच्छा तो यह है कि आदमी उनसे मुक्ति पाए, प्रायश्चित करे. आफ्ताब, मैंने जो किया है उसके लिए हिम्मत नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए अटल इरादा. और एक दिन तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए आफ्ताब. एक दिन क्यों बॉबी साहब, आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? ना, ना, आज नहीं, अभी नहीं, क्योंकि इसे अपना काम पूरा करना है. असली कातिल को पकड़ने में तुम्हारी मदद करनी है. दीपक सेठ के कातिल को पकड़कर इन जेल की सलाहों के पीछे खड़ा करना है. मुझे जेल में आना पड़ा क्योंकि हमारा रास्ता और आसान हो जाता. तुम दोनों को असली कातिल को ढूंढ निकालना होगा. आफ्ताब, तुम ये काम अधूरा नहीं छोड़ सकते, समझे? बॉबी, उस ससुर अशोक सहगल के लिए तो बचने कोई रास्ता ही नहीं बचा. सुनवाई होती वो क्षण हमेशा के लिए अंदर हो जाएगा. तुम उसे नहीं जानते, वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा. अगर अशोक सहगल को पकड़ना इतना आसान होता तो बरसों पहले वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका होता. आफ्ताब, अशोक सहगल इतना पक्का है कि वो जब भी डूबेगा अपने साथ कई लोगों के लिए डूबेगा. आप फिक्र मत करो बॉबी साहब, हम दोनों उसे पकड़ के दम लेंगे. हाँ, अगर तुम अपनी कोशिशों में ढीले ना पड़े तो तुम उसे जरूर पकड़ लोगे, जरूर पकड़ लोगे. माय फ्रेंड्स, अब मुझे लगता है कि मेरे बगैर तुम लोग काम कर ही लोगे. क्यों? खुदा जाने बॉबी, तुम जो कर रहे हो उस पर तुम्हें पूरा यकीन है. खुदा जाने हमें खुद पर भी इतना यकीन है कि नहीं.